देखो देखो 2000 दा नोट, 2000 दा नोट, इंदा हुन की होन लगा, इंदा हश्र हो। 2000 दा नोट फट गया, 2000 दा नोट हो। ये हिस्सा इंदा सी, आ दोवें मिलके एक हिस्सा बनते सी, हुन आ दो हिस्से हो गए। ता जेड़ा हिस्सा है इंदा किन्ने परसेंट हिस्सा है, किन्ना प्रतिशत हिस्सा है, यही अज का साडा टॉपिक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब। असी अज एक नवी ते मजेदार वीडियो लेके आए हैं, जिंदे भी तुसी देखिया 2000 दा नोट दा की हो गया कबाड़ा। पर मैथ विच इंदा की वैल्यू है, आओ देखते हैं। ता अज दी साडी सीरीज चल रही है प्रतिशत परसेंटेज, पर उंदा टॉपिक ही अज दा साडा कि एक नंबर दा परसेंटेज पता करना, मतलब एक हिस्सा पूरे हिस्से दा किन्ने प्रतिशत हिस्सा हुंदा है ए दसना है। नंबर कोई भी हो सकता है। देखो जिवें मैं इत्थे दो उदाहरणां लिखियां, एग्जांपल्स लिखियां, ता पहली एग्जांपल देख रहे हैं। 60 पैसा ऑफ 5 रुपए, 5 रुपए दे किन्ने प्रतिशत हिस्सा 60 पैसा हुंदा है। पहली गल, ए पैसा ते की है रुपए, दोवें अलग अलग है यूनिट इकाइया। ता अपना पहला काम की है, ए दोवां नू इक करना, चाहे पैसे नू रुपए च बदल दो ते चाहे रुपए नू पैसे च बदल दो, जेड़ा मर्जी कर सकते हो। मैं यही कहूंगी कि हमेशा वड्डे नू छोटे च बदलो, रुपए वड्डे हुंदे है पैसे छोटे, ता रुपइयां नू पैसियां च बदलो। क्यों? क्योंकि उन नाल फिर चीज ज्यादा बन जाती है। 5 रुपए है ता जदों पैसियां च बदलांगे ता 500 पैसे वड्डी रकम हो जूगी, ज्यादा चीजा बन जाएंगे, इस करके इनू देखना है। ता 60 पैसा ऑफ 5 रुपए मतलब 1 रुपए च किन्ने हुंदे है, 1 रुपए च अपने को 100 पैसा हुंदा है, ता 5 रुपए च 500 पैसा हो गया। ठीक है जी, हुन अपने पैसे पैसे दोवें यूनिट सेम हो गए, रुपइयां नू पैसियां च बदल लिया, ता हुन दोवें पासे सेम हो गया, मतलब 500 पैसे दा 60 पैसे हिस्सा पता करना। ठीक है, ता हुन किवें करांगे, 60 पैसे उपर बटे किन्निया दा हिस्सा पता करना है, 500 दा बटे टोटल, टोटल नीचे जिंदा पता करना है हिस्सा उपर। हुन क्योंकि प्रतिशत विच बदलना है, प्रतिशत परसेंटेज लभनी है, ते इनू आपां 100% च मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किन्ना करना है, 100% नाल। जे तुहानू याद होवे आपां जदों किसी भी रकम नू परसेंटेज बदलदे सी, चाहे फ्रैक्शन चाहे डेसीमल, तां आपां 100% नाल मल्टीप्लाई करदे सी। जे तुहानू नहीं याद, भुल गए, तां मैं वीडियोज दा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स च दे दूंगी, गो एंड चैक आउट कि किसे भी फ्रैक्शन डेसिमल नू या किसे भी रकम नू जदों परसेंटेज बदलना है तां की करना। मैं इत्थे एक बार फिर दस रही हां कि जदों आपां 60 पैसे दा प्रतिशत रूप लभना है, परसेंटेज लभनी है, तुहानू किन्ना मल्टीप्लाई करना है, 100%। ठीक है, हुण आपां टेबल ते कट करना है। तां चलो, आहा जीरो इंदे नाल, आहा जीरो इंदे नाल। ठीक है, हुण उपर की रह गया 60, तले की रह गया 5, जीरोआं कट्टियांगे। 5 दे पहाड़े ते 60 जांदा है, 5 एकम 5, 5 12 जा 60, तां हुण थले कला की रह गया 1, लाओ ना लाओ फर्क नहीं पैंदा। उपर की है 12, इंदे कुछ नहीं बचिया, 1 सी 12 एकम 12, ते नाल की आ गया परसेंटेज, यानी कि 60 पैसे 500 पैसे यानी कि 5 रुपए दे किन्ने परसेंटेज है, 12% हिस्सा बनदा। ठीक है, दूजा क्वेश्चन इदां दा ही है, देखो 14 पैसे। सब तो पहला काम की करना, आपां यही देखना कि यूनिट सेम होन, इकाइयां सेम होन। 14 पैसे ते 28 रुपए अलग अलग है, तां रुपइयां नू पैसियां च बदलांगे। किवें, 1 रुपए च किन्ने पैसे हुंदे है, 100 पैसे, तां 28 रुपए च किन्ने हो गए, 2800 पैसा। हुण उवें
परसेंटेज बदलना है, 14/2 टोटल हमेशा थल्ले, टोटल कितना है 2800 गुना 100%। ठीक है, हमेशा जो भी परसेंटेज बदलना है हमेशा 100 नाल ही गुना करना है। तो 0 0 ना कटी गई, 0 0 ना कटी गई, हुन थल्ले कला रह गया 28, इथे 14 ते इथे 1, 1 दी तो कुछ नहीं रहा, 14 दे पहाड़े ते कटिया, 14 एकम 14 14 दूना 28। तुसीं 2 दे पहाड़े ते भी कट सकदे हो, पहला 7 ते भी कट सकदे हो, मैनू प्रैक्टिस है तां मैं सीधा कटता। हुण अपना की आ गया 1/2%, यानी कि 28 रुपए का 14 पैसे किन्ना हिस्सा कर दिया 1/2%। ठीक है, जिन्हू आप 0.5% भी लिख सकते। क्वेश्चन है 50 ग्राम ऑफ 5 kg किलो। पहली गल इथे ग्राम इथे किलोग्राम दोवे अलग अलग है तो सेम करना पौगा। हुन ग्राम ते किलोग्राम चो वड्डा केड़ा हुंदा है, किलोग्राम, तो आप किलोग्राम नू ग्राम च बदलांगे किवें। 1 किलो च किन्ने ग्राम हुंदे है, 1000 हुंदे है ग्राम, तो आप इनू 5 नू 1000 नाल गुणा किता किन्ना हो गया 5000 ग्राम, ऑफ होवे 50 ग्राम होवे। हुण देखो इत्थे हो गया अपना ग्राम, इत्थे भी हो गया ग्राम, सेम हो गए। हुण अगे कढांगे परसेंटेज, किवें कढांगे, 50 ओवें बटे टोटल किन्ने है 5000 ते परसेंटेज लई गुणा 100%। ठीक है जी, हुण 0 नाल 0 कटे, 1 0 इहदे नाल, 1 0 इहदे नाल, आ 1 0 उपर थले आ भी पई है, कट्टन लगे 1 रकम थल्यो ते 1 उपरों, इसे करके 1 0 थल्यो लैंदे सी 1 उपरों। हुण आ 5 दे पहाड़े दे 5 कटिया गया ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1%, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 1%। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਚ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 1000, ਤਾਂ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 7000 ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 70/7000 गुना 100%। हुण फिर पहाड़िया ते कट्टीए, 1 रकम इधरों 1 उपरों 1 थल्यों, ता थल्यों आ 7 दे पहाड़े ते 7 कट्टिया ते भी किन्ना आ गया 1%, यानी कि 7 किलो का 70 ग्राम किन्ने परसेंट हिस्सा है, 1%। ठीक है जी, तो यह सी जो आप किसी वड्डी रकम का छोटा टुकड़ा उनका परसेंटेज देखना हो कि किन्ने प्रतिशत हिस्सा है, तो आप एवें कैलकुलेट करना। ठीक है जी, हुण मैनू पूरा विश्वास है कि तुहानू कोई डाउट नहीं रहा होगा। अज अपनी जिहड़ी परसेंटेज की सीरीज है वह भी खत्म हो गई है। जे कोई भी डाउट है तो क्वेरी है सानू जरूर लिखो कमेंट सैक्शन च, जे तुसी कोई टॉपिक समझना चाहते हो तां वी सानू जरूर दसो। जाण तो पहला प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ते जरूर लाइक करना ना भूलो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।